क्या आप मेरी तरह एक क्रिएटर है एक एडिटर है एक यूट्यूबर है या एक स्टोरी टेलर है क्या आप अपने वीडियोस को अट्रैक्टिव, एंगेजिंग तरीके से बेहतरीन क्वालिटी में एडिट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आपके लिए हमारे ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स बेस्ट है परफेक्ट है दोस्तों मेरा नाम श्रीकांत है मुझे वीडियो एडिटिंग में पाँच साल का एक्सपीरियंस है अब तक मैं हजारों यूट्यूब वीडियोस को ट्रैवल वीडियोस को एड वीडियोस को रियल एस्टेट वीडियोस को म्यूज़िक वीडियोस को और शॉर्ट फिल्म्स को एडिट किया हूँ इसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं हमारे रोरिंग फिल्म स्कूल की तरफ से इस कोर्स को क्रिएट किया हूँ दोस्तों वीडियो एडिटिंग में कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग के बिना वीडियो एडिटिंग अधूरा माना जाता है क्यों कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग इम्पोर्टेंट है इसे समझाने के लिए यह तीन रीजन पॉइंट्स काफी है रीजन नंबर वन वाइट बैलेंस जब वीडियो में व्हाइट कलर व्हाइट दिखता है तो ऑडियंस को वीडियो के टाइमिंग और सिचुएशन के बारे में पता चलता है इसे इस्तेमाल करके हम वीडियो के टाइमिंग को अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से बदल भी सकते हैं मॉर्निंग में शूट किया हुआ वीडियो को आफ्टरनून कलर्स के साथ मैच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इस वीडियो को देखिए डे टू नाइट रीज़न नंबर टू टू इंप्रूव मूड ऑफ द वीडियो कलर्स ऑडियंस के ऊपर इमोशनली और साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं इसे यूज करके हम स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं एक बेटर वे में स्टोरी टेल कर सकते हैं रीजन नंबर थ्री टू इंप्रूव ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू वीडियो में सब कुछ ठीक है तो भी वीडियो में वाव फैक्टर क्रिएट करने के लिए कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग को करना ही पड़ता है इनको यूज़ करके हम एवरेज वीडियोस को बेस्ट बना सकते हैं और बेस्ट वीडियोस को ग्रेट बना सकते हैं वीडियो एडिटिंग का असली मैजिक कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग में ही छुपा होता है दोस्तों ये है कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग का महत्व अब हम कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग को समझने की कोशिश करेंगे कलर करेक्शन का मतलब ये होता है कि वीडियो में कैप्चर हुए नेचुरल कलर्स को करेक्ट करना आपके आंखों को जैसे कलर्स दिख रहे हैं ना उनको नेचुरली दिखाना कलर करेक्शन में बेसिकली वाइट बैलेंस को करेक्ट करना होता है एक्सपोजर को करेक्ट करना होता है सैचुरेशन को करेक्ट करना होता है टेम्परेचर को करेक्ट करना होता है कलर करेक्शन का मेन टारगेट ये होता है कि वाइट कलर को वाइट दिखाना वाइट लुक्स वाइट इसको अचीव करना इस दुनिया में हमारे आंखों को जिस तरह से कलर्स दिखते हैं ना उसी तरह से कलर्स को दिखाना रियल लाइफ कलर्स को दिखाना यही कलर करेक्शन होता है अब हम कलर ग्रेडिंग क्या होता है इसे देखेंगे वीडियो में एक स्टाइलाइज्ड लुक को क्रिएट करने को कलर ग्रेडिंग बोलते हैं स्टोरी के हिसाब से या जरूरत के हिसाब से या हमारे पसंद के हिसाब से वीडियो में एक स्पेसिफिक लुक को क्रिएट करने को कलर ग्रेडिंग कहते हैं यदि आप लट्स को यूज करते हैं तो यह भी कलर ग्रेडिंग का ही एक स्टेप है अब हम मेन मुद्दे पर आएंगे वीडियो एडिटिंग को अच्छे से कहां से और कैसे सीखे दोस्तों आपको वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में भी वीडियो एडिटिंग को प्रोफेशनली सिखा रहा हूँ यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे ऑफलाइन क्लास को और वर्कशॉप को भी अटेंड कर सकते हैं नहीं तो आप मेरे ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को एनरोल करके सीख सकते हैं आपके लिए मेरे ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स बेस्ट है परफेक्ट है आप इस कोर्स को ज्वाइन करके वीडियो एडिटिंग को प्रोफेशनली सीख सकते हैं ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट सीख रहे हैं एनरोल लिंक नीचे दिया हुआ है प्लीज इसे चेक करें। यदि आपको कोर्स के रिलेटेड कोई डाउट है तो या कोर्स में एनरोल होते वक्त आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम अराइज होता है तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल और मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑल द बेस्ट कोर्स में फिर मिलूंगा थैंक यू